अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्राइम पोस्ट। दिस इज योर होस्ट उमर अल्ताफ़ानी। डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको वर्ल्ड कप की तरफ, T20 वर्ल्ड कप, जो कि इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में चल रहा है। जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं, जिस तरीके से कुछ टीमें परफॉर्म कर रही है, बहुत ही कुछ इस तरीके का माहौल लग रहा है कि शायद इस T20 वर्ल्ड कप में जब नॉकआउट स्टेजेस की बात आएगी ना, तो हो सकता है हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिले। बहरहाल उन सब चीज़ों को साइड में करके आज हम एक खास मुद्दे की तरफ आपको रुख कराते हैं, एंड वो रुख इस तरफ होगा कि अक्सर आजकल हमने देखा है कि बैट्समैन को या बॉलर्स को अक्सर कंपेयर किया जाता है। जैसा कि हमने परसों जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला गया था, उस मैच तुरंत बाद ही पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग शाहीन आफरीदी विद जसप्रीत बुमराह, एंड उससे पहले भी विराट कोहली एंड बाबर आजम का कंपैरिजन होता रहा है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, कंपैरिजन इज़ नॉट गुड, क्योंकि हर एक बैट्समैन अपने अपने तरीके से ठीक होता है, अपने अपने परफॉर्मेंसेस होते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द टीम कि प्लेयर कैसा खेलता है। लेकिन फिर भी जब हम कंपैरिजन को देखते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलता है, किस सोच को लेकर लोग कंपैरिजन करते हैं, वो हम आज देखेंगे। ये कंपैरिजन रहेगा विराट कोहली, इंडिया के जो मेन इस वक्त स्किपर हैं, द कैप्टन ऑफ इंडिया एंड द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम बाबर आजम, उनका कंपैरिजन हम करेंगे उनके अभी तक के इंटरनेशनल करियर का। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विराट कोहली की, तो इंडियन स्किपर ने अभी तक अपने ना, सबसे पहले उनके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ नज़र डालते हैं। उन्होंने अभी तक 96 टेस्ट मैचेस खेले हैं, एंड जल्दी ही सून ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेयर्स जो 100 टेस्ट मैचेस क्रॉस करेंगे। अभी तक जो उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने 7765 रन बनाए हैं, 7765 रन विद एन एवरेज ऑफ 51.08, जो कि कमाल की बात है। बहुत ही कम टेस्ट बैट्समैन ऐसे हैं हिस्ट्री में जिनका एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 से ऊपर है। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन जिनको अभी तक माना जाता है, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनका भी 50 से ऊपर का एवरेज नहीं रहा है टेस्ट क्रिकेट में। बहरहाल विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है जिनका टेस्ट में इतना एवरेज रहा है। सेम टाइम पे जब हम रुख करेंगे बाबर आजम की, तो उन्होंने जस्ट अभी, मतलब विराट कोहली के कंपैरिजन में आधे मैचेस भी नहीं खेले, ही हैज़ जस्ट प्लेड 35 टेस्ट मैचेस फॉर द पाकिस्तान टीम, एंड उसमें उन्होंने स्कोर किए हैं 2,362 रन, जो ठीक ठाक है एवरेज के हिसाब से। उनका एवरेज है 42.94। ये सेम बात आ जाती है जब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था वी शुड नॉट कंपेयर, तो कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो विराट कोहली इज़ फार अहेड देन हिम, एंड इसका एक रीज़न है। रीज़न ये होता है क्योंकि जब प्लेयर ज़्यादा खेलता है तो उसके पास अलग तरीके का एक्सपोजर आ जाता है, अलग तरीके का एक्सपीरियंस आ जाता है, एंड खास करके आपके टीम में आपके मेट्स कैसे हैं, आपके बैटिंग पार्टनर्स कैसे हैं, वो भी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और इसीलिए ना मुझे लगता है कि बैटिंग कंपैरिजन उतना ठीक नहीं होता, लेकिन बहरहाल हमने किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फार अहेड है, एंड टेस्ट सेंचुरीज़ की अगर हम देखें ना, तो विराट कोहली है स्कोर 27 टेस्ट सेंचुरी सो फार, एंड उन्होंने टेस्ट में 27 फिफ्टीज़ भी बनाई है, रिकॉर्ड काफ़ी, यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली। 27 फिफ्टी और 27 सेंचुरी बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि 27 टेस्ट सेंचुरी यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू मेक, एंड सेम एट द सेम टाइम बाबर आजम 500 एंड 1850, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका भी। लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर ओडीआई करियर। ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली को सबसे ज़्यादा हाइप मिलती है कि वो ओडीआई क्रिकेट के बेहतर प्लेयर हैं इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। टेस्ट में भी उनको ज़्यादातर अगर देखोगे तो उस लेवल के प्लेयर नहीं माने जाते, बट इन कंपैरिजन विद ओडीआईज ही इज़ नोन एज द नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उन्होंने अभी तक ना 254 ओडीआईज खेले हैं, 254 ओडीआईज, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, दुनिया के अभी तक के इंटरनेशनल करियर में बहुत ही ऐसे कम प्लेयर्स रहे हैं जिनको इतने मैचेस खेलने का मौका मिला है। जब आपको मैं बता दूं, छोटा सा एग्जांपल, शोएब अख्तर द लेजेंडरी, कब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, कब तक उनका करियर चला, लेकिन उन्होंने ना 150 से यही कई 150 के आसपास मैचेस खेले हुए हैं, इतना लंबा करियर होने के बावजूद भी। लेकिन विराट कोहली हैज़ ऑलरेडी प्लेड 254 ODI मैचेस, एंड जिसमें उन्होंने 12,159 रन बनाए हैं, 12,169, मैंने गलत बोल दिया था, 69 है एक्चुअली, 12,169 रन विद एन एवरेज ऑफ 59.07, जो इनका एवरेज रहता है ना हर फॉर्मेट में, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो सबसे अमेजिंग है, क्योंकि इनको अक्सर चेज मास्टर भी कहा जाता है। ये इनका एवरेज यहाँ पे दर्शाता है कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी तक ना 4,300 मारे हैं ODI में, और 6,250 हैं इनके पास, जो रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। उनके सेंचुरीज के बारे में भी हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स बाबर आजम, ही हैज़ जस्ट प्लेड 83 ODI, जैसा मैंने अभी भी कहा, कंपैरिजन मत करो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इनका करियर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, एक डेकेड के जैसा डिफरेंस दिखता है। एक तरफ से 250 और 4 ODI मैचेस, एंड दूसरी तरफ से ओनली 83 ODI मैचेस। तो इन्होंने बनाए हैं अपने करियर में नियर अबाउट 4,000 रन, 3,985 रन, ही इज जस्ट 50 रन शॉर्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग द 4,000 रन।
इनके पास है 14 सेंचुरीज एंड 1750s इन ओडीआई क्रिकेट। इनका एवरेज है 56.92। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो इनका एवरेज हल्का सा विराट कोहली से नीचे जाता है, बट वी होप द काइंड ऑफ बैट्समैन ही इज ही विल इम्प्रूव इन हिज करियर। एंड स्पेशली यंग हैं, उनको अभी पाकिस्तान टीम की जिम्मेवारी भी दी गई है, तो लेट्स सी। एंड T20 की अगर हम बात करें तो 90 T20 मैचेस हैज प्लेड विराट कोहली ने 90 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3159 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 52.72। एट द सेम टाइम 62 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, यहाँ पे भी वो विराट कोहली से कम मैचेस खेले हैं, 2272 रन, एक सेंचुरी है उनके पास, 21 हाफ सेंचुरीज हैं एंड विद एन एवरेज ऑफ 48.34। यहाँ पर एवरेज से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उनके पास एक सेंचुरी है T20 क्रिकेट में। विराट कोहली इज़ येट टू मेक इंटरनेशनल T20 सेंचुरी। अगर अदर IPL या बाकी T20s की बात करें तो विराट कोहली है स्कोर नियर अबाउट 7 सेंचुरीज दें, लेकिन वो यहाँ पे इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके टोटल रन की, इन्होंने अपने करियर में कितने टोटल रन बनाए हैं। विराट कोहली ने अभी तक अपने 440 मैचेस में 23,903 रन बनाए हैं, 23,903 रन, एंड बाबर आजम 8,690 रन। यहाँ पे आपको ना एक सीधी सी बात समझ आ जाएगी कि कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप रन्स का गैप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैचेस का भी कितना डिफरेंस रहा है इनके बीच। सो आई सजेस्ट पीपल तो कंपैरिजन ना ही करें। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको ये बोलूँगा, इनका अगर आप टोटल करियर एवरेज देखोगे ना तो इनका विराट कोहली का टोटल करियर एवरेज है 52.48, एंड सेम टाइम बाबर आजम का टोटल करियर इन तीनों फॉर्मेट्स को मिला के 47.83। बहरहाल इस टॉपिक को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स अ थिंग जो रोज़मर्रा की जितना ये प्लेयर